व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस। पिछली वीडियो में मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि यार मैंने इंट्रो के अंदर डेट गलत डाल दी है। अगर आपने नोटिस किया तो हम दिली तौर पर माजत ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और ये मेरे चैनल का पहला कैजुअल व्लॉग है, जिसको डेली व्लॉग भी कह सकते हैं। आज के जो काम है उनमें से सबसे पहले तो काम ये है कि इस जो कमरे की हालत है ना, इसको थोड़ा सा सेट करना है। दूसरा ये है कि यार इस कमरे का पंखा है ये वाला, जो कि बहुत गंदा हुआ है, इसको करना है हमने साफ। तीसरा हमारा जो मेन काम है ना आज का, जो आप ये देख के आ रहे हैं, वो है कि यार हमें एक अपग्रेड करवानी है अपने लैपटॉप में। साफ़ कर लें, हमें अपग्रेड करवानी है अपने इस लैपटॉप में। इसका काम यह है कि हमने 500 वाली हार्ड निकलवा लेनी है और 120 SSD लगवाएंगे इसके अंदर। तो पहले पंखा साफ कर ही लेते हैं। पंखा साफ तो हो गया है, लेकिन पंखा पुराना ही इतना है कि भाई साफ होने के बाद भी पता नहीं चल रहा कि वो साफ हो गया कि नहीं। ये वो क्यू कार्ड्स हैं, लास्ट वीडियो में जो मैं और वारिस खान ने जो स्टोरी बनाई थी बारबेक्यू की, उसके क्यू कार्ड्स हैं। टेबल सेट हो गई है, चलते हैं अपने साफ सफाई के दूसरे सेगमेंट की तरफ। अम्मी बेडशीट दें। सेगमेंट टू ऑफ द रूम क्लीनिंग प्रोसेस डन। तो जी ये वाला काम भी हो गया, शीट बस ये दो चीज़ें कुशन्स हैं इनको सेट कर लेंगे, टेबल भी हो गई है। तो भाई साहब अब नहाने धोने वाला काम करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं और निकलते हैं। सबसे पहले तो लैपटॉप में एक SSD लगवानी है। दूसरे नंबर पे हमने ग्लासेस लेनी है। लास्ट वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि ग्लासेस तुम्हारे बहुत फजूल हैं। और नंबर 3 पे हमने लेना है स्लीव्स, जो मैं अक्सर बाइक पे जैसे कहीं आना जाना हो तो मैं बाइक पे करता हूँ, तो ग्लव्स और स्लीव्स लेनी है। चले वारिस भाई, चलो चलो। क्या जी माल प्लाजा ओखान प्लाजा सॉरी SSD लगाने हैं।
शेड हो ना इसके अंदर, देखो निचली साइड के ऊपर जरा थोड़ा सा वो है, हल्का है कलर, है ना। ये अभी लटक रहे हैं। यार बंद करो यार ये। हेलो, तो जी अभी अभी घर वापस आ गए हैं। वारिस भाई ये बैठे हैं वेले फजूल वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, और यहाँ पे हमारे लैपटॉप का चल रहा है सिस्टम सारा, यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है चीज़ों की। तो इसके ऊपर करके देखते हैं कि आज का हमारा मिशन सही, मतलब प्रोग्रेस हुई भी है कि नहीं। और दूसरी बात यह, पिछली वीडियोस में पूछ रहे थे कि यार ये ग्लासेस क्यों पहन रहे हो, इससे पहले वाले ग्लासेस क्यों देख रहे, ये रहे, तो ये वाले ग्लासेस क्यों पहन रहे हो। तो भाई साहब वजह ये थी कि अब अगर मैं इस टाइम फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ फ़ोन के, तो अब आपको ऐसे लग रहा है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं इधर देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरी स्क्रीन है, हालांकि मुझे इधर देखना चाहिए, लेकिन जब मैं ग्लासेस पहनता हूँ कोई पता नहीं लगता भाई कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। पिछली वीडियो में कह रहे थे ये वाले ग्लासेस ऑकवर्ड लग रहे हैं, तो हम नए ले आए हैं आपकी पुरजोर फरमाइश पे हम नए ले आए हैं ग्लासेस शेड्स। और मुझे कोई बंदा आप ये ना कहे कि तुम इरफान जुनेजो की कॉपी हो, केसी नाइस्टर्ड की कॉपी हो, फलाने की कॉपी हो, हाँ भाई मैं हूँ कॉपी, लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि शुरू में तो मैं कॉपी लगूंगा, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब कंटेंट बनेगा तो मैं अपना स्टाइल खुद डेवलप कर लूँगा। इरफान जुनेजो की भी पहले 8-10 वीडियोस जो थी ना, वो वीडियोस उसने केसी नाइस्टैट और इस तरह काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स को कॉपी किया था। केसी नाइस्टैट का अपना स्टाइल है, क्योंकि वो भाई साहब 10 साल हो गए उसको ब्लॉगिंग करते हुए। तो अब हम नए नए इस गेम में आए हैं, तो जाहिर बात है शुरू में तो लगेगा हम किसी को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करेंगे और अपना स्टाइल डेवलप कर लेंगे। और एक और बात, मैंने आपको कहा था कि मैंने स्लीव्स भी लेके आनी है, ग्लासेस भी लाने हैं और ये लैपटॉप का काम करवाना है, तो जो स्लीव्स और ग्लव्स थे ना वो मिले नहीं हैं यहाँ से, तो अब हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे दराज से। दराज इज़ लाइक अमेज़ॉन फॉर पाकिस्तानीज़, यू नो।